नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए चलते हैं। तो इधर हम पहुँच गए हैं बैंगन के पौधे के पास। तो आप सब देख सकते हैं कि एक ही पेड़ है, काफ़ी बैंगन जो है इसमें फरे हुए हैं। तो बैंगन को हम तोड़ेंगे। जितना हो सकता है उतना बैगन हमने तोड़ लिया है। तो सारे सब्जियों को हम धोकर साफ कर लेंगे। तो सब्जियों को हमने धोकर साफ कर लिया है। तो अब हम मिट्टी का बर्तन भी धो लेंगे। मटके को हमने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है धोकर। अब हम उपली का आहरा बनाएंगे। तो बगल बगल में हम आधी आधी उपली रखेंगे और बीच में हम छोटा सा टुकड़ा करके डालेंगे। अब इधर एक आहरा हमने बना लिया है, अब हम दूसरा बना रहे हैं। तो आहरा बनकर हमारा तैयार हो गया है उपली का। दोनों आरा को हमने सुलगा लिया है। तो एक मटके में हम बनाएंगे दाल और एक में चावल। तो मटके को हम आग पे रख देंगे और इसमें डाल देंगे पानी। तो इसे हम ढककर पानी को गर्म कर लेंगे। तो इस आहरा में हम आलू और बैंगन और टमाटर भुनेंगे। आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, हम बनाएंगे कि आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल बाटी चोखा, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और ठंडियों में जो है हर इंसान को खाना चाहिए। जो कल जो है कार्तिक का लास्ट दिन है, तो आज हम आंवले के पेड़ के नीचे दाल चावल बाटी चोखा बनाएंगे। और बाटी चोखा बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिए हुए हैं आप सभी को दिखा देते हैं। और वीडियो को हमारे लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो यहाँ पे हमने 1 किलो बैंगन लिया हुआ है पेड़ से। यहाँ पे हमने 500 ग्राम टमाटर लिया हुआ है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है और कुछ लहसुन का हरा पत्ता भी है और धनिया की हरी पत्ती है, मिर्चा है। यहाँ पर हमने 500 ग्राम दाल लिया हुआ है, चने का बेसन है जिसे हमने भून कर तैयार कर लिया है क्योंकि हम मकुनी का लिट्टी बनाएंगे। यहाँ पे हमने जीरा लिया हुआ है, देसी घी है, अजवाइन है, हींग है, आलू है, हल्दी पाउडर है, सरसों का तेल है, नमक है और यहाँ पे हमने आटा लिया हुआ है। तो हांडी में जो हमने पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो गया है, तो दाल को हम धोकर हांडी में डाल देंगे। तो ढक्कन हटाकर हम एक ढक्कन सरसों का तेल डाल देंगे ताकि हमारा अरहर का दाल बहुत जल्दी से पके। तो अब इसमें हम डाल देंगे दाल। तो दाल में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, उसी के साथ हम डाल देंगे हल्दी। तो अब हम दाल को
अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढककर पकाएंगे। तो इधर हमारा आहरा भी सुलग गया है, तो बैंगन में हम सरसों का तेल लगा लेंगे ताकि बहुत जल्दी से हमारा बैंगन हो जाए। और बिल्कुल ताज़ा बैंगन है तो बहुत ही जल्द होगा। तो सभी बैंगन में हम सरसों का तेल लगाएंगे। तो सभी बैंगन में हम हल्का हल्का सा होल कर लेंगे ताकि बैंगन जो है गर्म होते समय बोले ना। तो बैंगन को हम आहरे पे रख देंगे होने के लिए। तो बैंगन हमने डाल दिया है, अब हम डाल देंगे टमाटर। और बैंगन और टमाटर जब हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू। तो जब तक हमारा बैंगन और टमाटर हो रहा है तब तक हम सब्जियों को काट कर तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमने चावल लिया हुआ है, चावल को हम साफ करके डालेंगे। तो चावल का पानी हमारा गर्म हो गया है, तो आप सब देख सकते हैं उबल रहा है। तो इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे ताकि चावल हमारा भरभरा बने। और इधर चावल को हमने धोकर साफ कर लिया है, तो चावल को हम मटके में डाल देंगे। और दोस्तों मटकी का दाल चावल खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो कार्तिक महीना में जो है आंवले के पेड़ के नीचे सभी को बनाना चाहिए, खाना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो चावल को हमने डाल दिया है, चावल को हम एक बार चला देंगे। तो चावल को हम ढककर इसे पका लेंगे। बैंगन और टमाटर हमारा हो गया है, इसे हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे। तो अब हम भूनेंगे आलू, तो बीच में हम डाल देंगे आलू भूनने के लिए। आलू को हम ढक देंगे। धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्चा, अदरक हमने काट लिया है, अब हम लास्ट में प्याज काट रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि चावल हमारा जो है पूरी तरह से ऊपर आ गया है। तो इसे हम एक बार चला देंगे, उसके बाद इसे हम ढक देंगे, तो बहुत ही जल्द हमारा चावल होकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम ढक कर 5 मिनट लिए और छोड़ देंगे। तो दाल को हमने अच्छे से मथ दिया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हींग। थोड़ा सा हींग डालकर इसे हम चला देंगे और हींग जो है गल जाएगी। तो उपली का आग हमारा थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ा सा हमने लकड़ी जलाया हुआ है आलू को होने के लिए। अब इधर हम आटे को सान कर तैयार करेंगे नकुनी का लिट्टी लगाने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठंडी का महीना चल रहा है, थोड़ा अजवाइन डालना ज़रूरी होता है, थोड़ा शीत उत होता है तो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम आटे को गूंथ कर तैयार करेंगे बाटी बनाने के लिए। आटे को गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है, अब हम चावल को देख लेंगे कि हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा आंवला का पेड़ लगाया हुआ है और इसी के बगल में हम खाना बना रही हूँ। अब चावल को हम देख लेते हैं। तो आप सब पास से देख सकते हैं चावल जो है पूरी तरह से हो गया है। मकुनी का लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमने चने का सत्तू को भूनकर तैयार किया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक, प्याज, मिर्चा, लहसुन
धनिया की हरी पत्ती। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम मकुनी का लिट्टी लगाने के लिए आरा सुलगाएंगे। अब आलू को भी देख लेंगे कि हुआ है कि नहीं। तो आलू पूरी तरह से हो गया है, इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। तो दाल हमारा पक गया है, तो इसे हम एक बार चला देंगे। तो आप सब देख सकते हैं दाल बनकर रेडी हो गया है। अब हम दाल को नीचे उतारेंगे। तो बैंगन टमाटर आलू को हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे, उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। तो इसे हम दो पानी अच्छे से धोकर तब इसका छिलका उतारेंगे, ताकि जो इसमें राख लगा हुआ है साफ हो जाए। आलू टमाटर बैंगन को हमने दो पानी अच्छे से साफ कर लिया है, उसके बाद इसका छिलका उतार दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक, इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्चा, लहसुन, धनिया की हरी पत्ती। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, और चोखा में तेल सरसों का थोड़ा बढ़ाकर ही डालना चाहिए, तभी चोखा जो है खाने में अच्छा लगता है। तो अब इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो चोखा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक भगोने में भरकर इसे अच्छे से ढक देंगे। तो अब हम देसी घी से दाल में तड़का लगाएंगे। तो घी को हम गरम करके जीरा मिर्चा से हम तड़का लगाएंगे। तो अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा थोड़ा सा चटक गया है, अब इसमें हम मिर्चा डाल देंगे। तो जीरा मिर्चा को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मिर्चा जीरा ब्राउन हो गया है, अब लगाएंगे हम दाल में तड़का। तड़का हमने लगा दिया है, दाल को हम एक बार चलाकर इसे ढक देंगे। तो इसमें हम दो नींबू का रस गारेंगे, ताकि मकुनी का लिट्टी हमारा खाने में अच्छा लगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम मकुनी का लिट्टी भरेंगे। तो आटे को हम एक बार फिर से मैश कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा लोई काट लेंगे, और दोनों हाथों से हम इस तरह से घुमा घुमा कर चकरी बना लेंगे। उसके बाद इसे हम घुमा घुमा कर थोड़ा सा बीच में गड्ढा बना लेंगे, कटोरी जैसा कर लेंगे। उसके अंदर सत्तू भर के इसे हम घुमा घुमा कर और दबा दबा कर अच्छे से पैक कर देंगे। तो इसी तरह से हमें सारा मकुनी का लिट्टी बनाकर तैयार कर लेना है। तो पाटे को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। आप सब उधर देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं खाने के लिए। तो आग को हमने फैला लिया है, अब इसे हम इस पर मकुनी का लिट्टी देखेंगे। अभी बाटी को हमने रख दिया है, ऊपर से हम आग को रख देंगे। तो बाटी को हम दूसरी तरफ पलट देंगे। अब दोबारा से हम फिर आग को रख देंगे, ताकि बाटी हमारा अच्छे से हो जाए। तो बाटी को हम ध्यान देकर पकाएंगे, नहीं तो यह जल जाएगी। तो बीच बीच में इसे हम राख को हटाते रहेंगे और पलटते रहेंगे, ताकि जले ना हमारी बाटी। तो राख को हमने झाड़ दिया है, आप सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है हमारा
ब्राउन ब्राउन बाटी होकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। तो इसी तरह हमें सारे बाटी को झाड़ कर रख लेना है। तो पीट पीट कर जो काला काला है इसे हम निकाल देंगे। तो दाल और चावल को हम बर्तन में निकाल लेंगे। और छोटे छोटे बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आज हमने जो है बगीचे में खाना बनाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हवा, काफ़ी चिड़िया जो है चहक रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो दाल चावल को हमने निकाल दिया है। बाटी को हम देसी घी में डुबो देंगे। तो बाटी अभी गर्म है तो घी बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। तो बाटी को हमने घी में डुबो दिया है। अब हम बच्चों को खाना परोसेंगे। एक बाटी तोड़कर हम आप सबको दिखा देते हैं कितना अच्छा हमारा मकुनी का बाटी हुआ है। तो आप सब पास से देख लीजिए। तो हांडी वाली दाल और चावल और बाटी चोखा का आप सबको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।